में आगे रायपुर में पीलिया के प्रकोप के बीच कमिश्नर रजत की गुमशुदगी के लगाए गए पोस्टर चर्चा में है। आपको बता दें कि इन पोस्टरों के जरिए शहर के हालात का हवाला देकर कहीं न कहीं तत्काल रायपुर लौटने की अपील उनकी की गई है। दरअसल रायपुर में इन दिनों पीलिया का भीषण प्रकोप छाया हुआ है और कमिश्नर रजत वंसल ताइवान के अधिकारी की यात्रा पर गए हुए हैं। उनकी यह यात्रा स्मार्ट सिटी को लेकर है, जिसके बाद लोगों ने उनका हुलिया लिखकर गुमशुदगी की पोस्टर भी चस्पा कर दिए हैं। पीलिया से पीड़ित है और कल परसों एक गर्भवती महिला जो है पीलिया से मर जाती। लोग कुत्ता नोचने से यहाँ पे मर रहे हैं, लोग आवारा पशुओं के टकरा जाने से मर रहे हैं, लोग सुअर काटने से जो है घायल हो रहे हैं और इलाज करवाने मजबूर हैं। परंतु जो भोले भाले कमिश्नर साहब हैं वो एक नीरो की तरह जो है विदेश में कहीं बंसी बजा रहे हैं। तुम जो गायब हो गए तो मुझे बड़ी चिंता हुई, तो मैंने सभी पार्षद और मेयर जो साहब हैं उनके कमरे के बाहर गुमशुदगी की उनका वो सूचना चिपकाई है कि वो जहां कहीं भी मिले वो वापस आ जाए। उनको संवाददाता रजनी ठाकुर ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। रजनी, कमिश्नर के गुमशुदगी के पोस्टर चस्पा किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल सुनील, देखिए ये गुमशुदगी के जो पोस्टर हैं ये एक विरोध के तौर पे ये चस्पा किए गए हैं, क्योंकि करीब 15 दिन हो चुके हैं जब निगम आयुक्त ताइवान गए हुए हैं स्मार्ट सिटी के लिए, वो दौरे पर हैं, विदेश दौरे पर हैं, और इस दौरान शहर में पीलिया का जो प्रकोप है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 2 गर्भवती महिलाओं की दर्दनाक मौत हुई है और इसी का विरोध करते हुए जो सामाजिक कार्यकर्ता और RTI एक्टिविस्ट है राजधानी के कुणाल शुक्ला, उन्होंने ये पोस्टर लगाए हैं। और बकायदा अगर आप पोस्टर को ध्यान से देखें तो जिस तरीके से गुमशुदगी के पोस्टर लगते हैं उसी तरीके से इसमें विवरण दिया गया है, कद, काठी, रंग, नाम, सब कुछ कहा गया है और आखिरी में व्यंगात्मक तरीके से कहा गया है कि आप जहां कहीं भी हैं लौट आए, रायपुर की जो भोली भाली जनता है वो आपको कुछ नहीं कहेगी। और इस पूरी खबर पर जब कमिश्नर से बातचीत की गई तो उन्होंने ये बताया कि 4 तारीख को जो है वो वापस रायपुर लौट रहे हैं और विरोध का ये एक अनोखा तरीका कहा जा सकता है सुनील। हालांकि जैसे ही इस पोस्टर की खबर लगी निगम कार्यालय में तुरंत इसको हटा भी लिया गया, लेकिन इससे ये तो कहा जा सकता है कि संदेश देने की कोशिश की गई है शहर में जो बदतर हालात हैं उसे लेकर। लेकिन रजनी, ऐसे में कमिश्नर की गैर मौजूदगी में जो जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी बखूबी बनती है, क्या वह लोग अपनी कारगुजारी ठीक से नहीं कर पा रहे? बिल्कुल सुनील, देखिए नहीं कर पा रहे हैं, इसी का नतीजा है कि पीलिया से पूरा शहर यहाँ पे परेशान है। हर एक वार्ड से गंदे पानी की शिकायत आ रही है। पिछले दिनों कापा में पीलिया का प्रकोप देखने को मिला था और अब जो ताजा मामला आया है वो राजधानी के ही चंगोरा भाटा इलाके का है, जहाँ पे 9 से ज्यादा लोग पीलिया की चपेट में है। कल ही हाईकोर्ट कमिश्नर की टीम भी पहुंची थी इन सभी इलाकों के दौरे पर, तो समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी गंभीर है, लेकिन उसके बावजूद भी निगम जो है वो यहाँ पे हाथ धरे दिखता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रजनी। आगे बढ़ेंगे पुराने